ऊना जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण महाअभियान नशा मुक्त ऊना के तहत हर घर दस्तक मुहिम में शुक्रवार को एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान ने ग्राम पंचायत रामपुर में घर द्वार पहुंचकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। इस मौके पर सीडीपीओ कुलदीप सिंह दयाल, पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और इस अभियान का मोर्चा संभाल रही स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर हर घर द्वार पर जाकर नशा मुक्त अभियान के स्टिकर चस्पा किए और साथ ही साथ नारी शक्ति से मुलाकात करते हुए इस अभियान में सहभागिता दर्ज करने का आह्वान किया। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय राघव शर्मा जी के सानिध्य में ये जो है जिला स्तर पर कार्यक्रम जो है नशा मुक्त ऊना अभियान चल रहा है। इसी की एक कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम अभी तक किए जा चुके हैं, जिसमें भी स्कूल लेवल पर, पंचायत लेवल पर और अलग अलग हमारे ट्रेनिंग्स लेवल पर, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई है। इसी के अगली कड़ी में जो है एक जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हर घर दस्तक अभियान है, जहाँ पे हम और पंचायत के टास्क फोर्स के साथ जो है हर घर को जा रहे हैं, हर घर को विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एक साथ एक ये पैम्पलेट शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभिभावकों के साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसमें कि उन्हें बता रहे हैं कि नशे के कुछ प्रारंभिक जो लक्षण किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से जो है वो प्रारंभिक लक्षण उसके दिखते हैं और किस तरह से जो है बच्चे की काउंसलिंग जो है इनिशियल स्टेज पे करनी चाहिए, वो भी इसमें विदित किया हुआ है। तो ये माननीय जिलाधीश ऊना की तरफ से जो है ये पैम्पलेट जो है वह हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही में जो एक ये स्टिकर जो है ये प्रत्येक घरों में हम लगाने के लिए जो है एक नशे के विरुद्ध जो है अभियान को और तेज़ी से करने के लिए हमारा फैसला नशे को ना जिंदगी को हाँ के रूप में भी जो है हर घर पर जो है इसको लगाने की पहल कर रहे हैं। और आने वाले इस वीक में जो है पूरी ऊना सब डिवीज़न की सभी पंचायतों में इसे रोल ऑन किया जाएगा और हम आशा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और नशे जो कि एक सामाजिक बुराई है, इसे चरित्र दोष के रूप में ना देखकर, सामाजिक बुराई के रूप में देखकर, एक बीमारी के रूप में देखकर इसमें इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारा